नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाटेक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप फैंटेसी खेलते हैं, ड्रीम इलेवन पे अपनी टीम बनाते हैं और आपका टीम हमेशा लॉस में जा रहा है, आपको ड्रीम इलेवन से प्रॉफिट नहीं हो रही है, तो उसी चीज़ को लेकर के यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरह से आप अपनी फैंटेसी टीम बनाएंगे, कहाँ से आप डेटा निकाल करके अपनी टीम बनाएंगे, जो डेटा आपका कंफर्म होगा, एक्यूरेट डेटा होगा, उसके माध्यम से अगर आप टीम बनाएंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, कम्प्लीटली पूरा वॉच कीजिएगा। और इसके साथ साथ गाइज, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के कॉन्टेंट डेली मिलते रहेंगे और अगले बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको प्रेडिक्शन की वीडियो और डेली टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो, साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल पे टीम फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। अभी जो हाल फिलहाल में जो मैच स्टार्ट होने वाला है, वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेस न्यूजीलैंड वुमेन्स के बीच में ये मुकाबला होने वाला है। अब आपको यहाँ पे टीम बनाना है। ठीक है, टीम बनाना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधी सी बात है, इस मैच को ओपन करोगे, यहाँ पे क्रिएट टीम पे क्लिक करोगे और प्लेयर्स को सिलेक्शन करके आप अपनी टीम बनाते चलो जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो अच्छे प्लेयर्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एस कैंपेल है, इसको आप कैपेबल है, इसको आप अपने टीम में लोगे, क्योंकि इसको बहुत सारे बंदे ने ऑलरेडी ले करके रखा है, 91% इसका सिलेक्शन है। यहाँ पे ऐसे ऐसे ही प्लेयर जैसे कि एस बैट्स है और यहाँ पे क्यू जॉब्स है, ऐसे ही प्लेयर्स को आप अपने टीम में सेलेक्ट करोगे। ऑब्वियसली ऐसे ही प्लेयर्स को आप रखोगे क्योंकि इसका सिलेक्शन परसेंटेज हाईएस्ट है और रिसेंट के परफॉर्मेंस जो है इनका गजब का है। ठीक है, प्लेयर्स अच्छा है इसलिए आप इसी प्लेयर को अपने टीम में रखोगे। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे कि यहाँ पे हैरी मैथ्यूस है और अमेलिया केर है और यहाँ पे डी डॉटिन है, ऐसे ऐसे प्लेयर्स को आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इससे को सेलेक्ट करने के लिए आप टीम बना सेलेक्ट करके आपने टीम बना लिया। ठीक है, टीम बनाने के बाद में आप क्या करोगे, जिसका कैप्टेंसी सिलेक्शन हाई होगा उसी प्लेयर्स को आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर लोगे। ठीक है, और आप टीम लगा दोगे और आपको वहाँ पर देखते रहोगे कि यहाँ पर विन होगा कि नहीं होगा, आपका रैंक कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होता है वो अच्छा खेलेगा और वही प्लेयर कभी आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है, पिच के बेस पे। ठीक है, इसके डेटा के बेस में, जैसे कि कहां पे मैच होने वाला है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, यहां पे ये जो मैच होने वाला है, इस ग्राउंड पे किस तरह के मतलब कि बॉलर चलते हैं, किस तरह के बैट्समैन चलते हैं, सारी इंफॉर्मेशन देखने के बाद ही आपको यहां पे टीम बनाओगे तो वो टीम आपका बेहतरीन परफॉर्मेंस करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे वेन्यू है शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे मैच होने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कौन से मतलब कि प्लेयर्स चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बैटिंग पिच है, स्पिनर्स को एडवांटेज है, वेदर रिपोर्ट में सनी है। ठीक है, एवरेज आपको यहाँ पे 125 के आसपास दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ से ड्रीम इलेवन ने इसको सजेस्ट किया है तो उतना इसको हम कन्फर्म नहीं मानते हैं। ठीक है, मैं आपको लेके चलता हूँ ऐसा साइट पे जहाँ से आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए उस साइट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च बार में आना है और यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है एडवांस क्रिकेट। ठीक है, एडवांस क्रिकेट टाइप करने के बाद में आप इस साइट को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ से इसके ऑफिशियल वेबसाइट है ये, ठीक है, इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, आपको ऊपर ही मिल जाएगा, जो भी मैच में आपको टीम बनाना है वो मैच आपको ऊपर ही मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंटली जो मैच है वो ऊपर मिल जाएगा और उसके बाद में जो मैच होंगे वो आपको इसके नीचे ऐसे करके स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सारे मैचेस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ से भी नहीं मिलता है तो उसका उपाय है, आप यहाँ पे सीरीज बाई सीरीज सर्च करके मैच को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया वेस्ट इंडीज वुमेन्स वर्सेज न्यूजीलैंड वुमेन्स। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, थोड़ा एड्स वेस आएंगे। ठीक है, इसको आप कट कर लेना। ठीक है, फिर से दोबारा से यहाँ पर क्लिक करना और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज ओपन होने के बाद में क्या है कि इसका डिटेल्स आपको यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, अब आपको प्लेयर्स का डिटेल्स निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है पिच पे कैसा मतलब कि प्लेयर्स का परफॉर्मेंस है, क्या यहां पे स्पिनर्स चलेंगे या पेसर चलेंगे, विकेट्स जा रहे हैं या नहीं जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करना है स्टेडियम पे, पिच रिपोर्ट बॉलिंग पे क्लिक करना। ठीक है, यहां पर बॉलिंग का परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी यहां पर आप देख सकते हो कि किस इनिंग में कितना विकेट कौन बॉलर ने लिया है, तो ऐसे 10 मैचेस का डाटा आप यहाँ से देख लेना। ठीक है,
और अगर हाईएस्ट विकेट जा रहा है तो आपको बॉलर्स को ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगर विकेट्स कम गिर रहे हैं तो आपको बॉलर्स को इग्नोर करना है, जो इंपॉर्टेंट बॉलर होंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो पेसर्स को अधिक एडवांटेज है। मैंने आपको बताया ड्रीम इलेवन सजेस्ट करता है जो थोड़ा थोड़ा रॉन्ग होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे ओरिजिनल जो डाटा मैंने दिखाया तो यहाँ पे फास्ट जो राइटर फास्ट बॉलर जो है वो यहाँ पे अधिक विकेट निकाल रहे हैं, ठीक है। यानी कि मैच में पेसर्स बॉलर से विकेट निकालेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, स्पिनर्स को थोड़ा सा इग्नोर करके आप पेसर पर भरोसा करके अपने टीम में पेसर्स गेंदबाज को रखेंगे, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे आप समझ में आ गया, आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी आपको क्या करना है, सारे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन देखना है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे प्लेयर्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रिसेंट अगर देखो सारी चीज़ें आपको मिलेगा, थोड़ा सा आप यहाँ पे टाइम मतलब कि देते हो तो आपको हर एक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो वेस्ट इंडीज वुमेन्स का प्लेयर रिसेंट फॉर्म देख सकते हो यहाँ पे, किस तरह से मतलब कि वेस्ट इंडीज का जो प्लेयर है वो रिसेंट में करके आ रहा है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे सारे प्लेयर्स आपको दिख जाएंगे, वेस्ट इंडीज का है ये सारा, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, ठीक है। इसका रिसेंट रिकॉर्ड क्या है, आप इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको पता चलता चले जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कितने रन हैं और कितने मतलब कि स्ट्राइक रेट से ये जो प्लेयर है अपने मतलब कि परफॉर्मेंस दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है। दूसरी टीम को भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमने वेस्ट इंडीज का रिसेंट फॉर्म देखा, और इसी तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको न्यूजीलैंड का भी रिसेंट फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आप बहुत सारे यहाँ पे 7 मैचेस का रिकॉर्ड देख सकते हो, ठीक है। और बैट्समैन का स्टेट्स, बॉलर्स का स्टेट्स, सारी स्टेट्स देखने के बाद में आप एक पार्टिकुलर प्लेयर्स को चुनाव करोगे, ठीक है। और वो जो चुनाव होगा वो आपको 100% सही होगा और उससे आप विन करोगे, ठीक है। तो यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। और भी आप अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे बेस्ट वेबसाइट जो है एडवांस क्रिकेट है, इस वेबसाइट पे अगर थोड़ा सा वक्त देते हो तो आपका 100% जेन्युइन टीम बनेगा, ठीक है। और उस टीम से आप प्रॉफिट करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ तक क्लियर समझा दिया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखना है। बाकी डिटेल्स में वीडियो आएगी इसके ऊपर, जो वीडियो थोड़ा लंबा होगा अगर उसको आप देखोगे तो बहुत बेनिफिट आपको मिलेगा। फिलहाल हम तो आपको टीम देते ही हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे मैं आपको डेली टीम प्रोवाइड करूंगा। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मन में कोई डाउट हो आप मुझे कॉमेंट करके कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।